हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। और आज है 2 अक्टूबर। जैसा कि आपको पता है कि गांधी जयंती है, और आज एक और चीज़ है, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। आज मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, और ज़्यादा तो हम सेलिब्रेट नहीं करते, ज़्यादा क्या वैसे करते ही नहीं हैं। और देखते हैं कैसा दिन रहेगा आज का। वैसे गांधी जयंती है तो वैसे भी बहुत अच्छा दिन है आज का दिन, और मेरी मैरिज एनिवर्सरी है तो मेरे लिए तो वैसे भी खुशी का दिन है आज। तो अभी टाइम हुआ है, सुबह के 6 बजे हैं, बच्चे उठ गए हैं और मैं भी उठ गई हूँ, आरती भी उठ गई है, और बस अब अपने अपने रूटीन पे लगते हैं। देखते हैं, आज मेरे को थोड़ा सा बाहर भी जाना है, थोड़ा सा प्रोग्राम है, और देखते हैं जैसा भी व्लॉग रहेगा मैं आपको दिखाऊंगी आज पूरा रूटीन कैसा रहता है। नहीं तो पहले 2 मिनट में कर लेना, फिर कर लियो। 2 मिनट क्या होता है? तो पहले अभी पट्टी नहीं करवा के आनी है, पहले नाश्ता करवा, क्योंकि नहीं फिर आते ही नाश्ता। 12 बजे मेरी ट्यूशन भी तो है, तो नाश्ता तो बेटा करना है। तो पहले तो फिर एक बार बैठे अंशल, तू खा नाश्ता। अंशल बेटा लेने निकुल को कोमल को बुला रखा, तो साथ ही साथ करवाऊंगा। कोमल से नोटबुक लेने जा रहा हूं, चला जा फिर। चलो जानू पहले करवा के आएगा पट्टी, उसके बाद क्योंकि उसकी पट्टी डेली होती है। मैं उसका बना रही हूँ नाश्ता, जो मैं बना के उसको रख दूँगी। नानू ने आलू टमाटर की सब्जी के साथ दही के साथ खा लिया है। जानू का बनाया हरी मिर्च का परांठा, नानू का बना आलू का बनाऊंगी नमक अजवाइन। ले जानू कौन कहते हैं, रात को जो दिए थे ना वो दो मेरे को। क्या खाए थे बता? क्या लिया था आरू? हाँ पिंगोल। ठीक है, परोंठा दे दूँ क्या तेरे को भी? अब अरे ये नया फोन आया है। सारा पता है, कवर है ये छोटी। हाँ, वो फोन मिला ही एक बार जानू को देखियो, और वो फोन मिला के देख के कहाँ है गया वो? तो वो तो सुभाष की पट्टी के लिए कह के गया था। वैसे सुभाष जी की दो पाँव की पट्टी, वैसे गया तो सुबह भी था, सुबह तो कहते हैं नानी के लिए फोन है क्या? हाँ है, उसके पास फोन मिला ही। और नानू कहाँ है? कहाँ है वो? पढ़ने है, पढ़ रहे हैं। ठीक आ रहे यही खड़े है दोस्त के पास। हाँ क्योंकि फिर परसों पेपर है ना उसका, और फिर खड़ा भी नहीं होना उसको, हफ्ते का तो रेस्ट भी कह रखा है उसने। नानू कहाँ है? हमें ये भी कहती नानू को भी देख कहाँ है, फोन मिला या नानू को भी आगे जा लो। एक बार दोस्त के घर जा रहा हूँ। किस लिए? ऐसे ही गुरु से किस पूछना है? क्या पूछना है? तू कहाँ था रे? उससे पट्टी कराने है और इधर खड़ा था। कहाँ? इधर ही हर्ष के पास खड़ा। डॉक्टर ने क्या बताया तेरा? डॉक्टर कह रहा है पैर बिल्कुल ठीक है, अपना घूम बाइक बुक चला बढ़िया। देख चल झूठ कहेगा, चल झूठा। आराम का है? हफ्ते का आराम नहीं कहा उसने, अब कह रहा है अब ठीक होने वाला है। तो जानू मान लो 2 दिन और है ना, आराम कर ले, रेस्ट कर ले। तेरा पैर अभी ठीक नहीं है पूरी तरह, देख टिक भी ना नहीं रहा। देख डेडी के सारे चल के दिखा, चार डेडी के सारे चलता भी नहीं है। टिक तो रही है, देखो कहाँ ठीक है, आराम से दर्द होता है ना? ना दर्द क्यों? ठीक है चल, ठीक है। दवाई भी दी है क्या तेरे को? और पट्टी करी होगी? हाँ ये भी पट्टी। मैं चाय पीऊँ? चाय पी ले, बना ले क्या चाय? दवाई बता रही है, दवाई मेरे को, दवाई एक खुराक तो तेरी पड़ी भी है। उसने बोला है कि मीठा मूठा नहीं खाना, कुछ ना मीठा खाना है, अपना साफ खाना तो बर्गर बोल खाओ, वरना कुछ खाओ ना भाई। देखो अच्छा बर्गर खा लो, नहीं कुछ ना खाओ, जो खाना बाहर का खाया, वैसे घर का कोई अलाउड नहीं है, कोई सब्जी सब्जी नहीं खाई। अच्छा और बर्गर बताते हैं आजकल के डॉक्टर भी बड़े अच्छे होने। कल भी खाया है तुमने? फिर अंकल भी तो मॉडर्न है, आपको पता नहीं लगते नहीं आपको मॉडर्न हो। अच्छा चल फिर अंकल को फोन करके छोटू को भेज के पूछती होगी इसको क्या बताया खाने में, बर्गर बताया अभी डॉक्टर ये खाऊ।
आरु क्या खेल रहा है? गेम खेल रहे हो? आरु आरु बिल्कुल फ्री हो रहा है। क्या बनाया आरती? सब्जी सब्जी भाई ये बताओ भाई क्या खानी है किसको? राजमा चावल तो निकलती है। टाइम लेट हो गया। एकादशी है ना, एकादशी को चावल खाते नहीं आपा। परसों तो राजमा खाया। सो गाइस सोच रहे हैं क्या बनाएंगे। जो भी बनाएंगे आज आपको डिनर जरूर दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज मैं अकेली ही चाय पी रही हूं, क्योंकि छोटू और छोटी कहीं गए हुए हैं, वो फ्रेंड सर्कल में गए हुए हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, उनकी शादी की सालगिरह है और मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि स्पेशल कर लूँ उनके लिए। वैसे वो करने नहीं देते, उनको पसंद नहीं है, पर आज वो है नहीं, हमें टाइम भी मिल गया। सब कह रहे हैं बच्चे कि मम्मा स्पेशल करेंगे उनके लिए, तो जैसा भी होगा मैं आपको आगे के ब्लॉक में दिखाऊंगी, क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं। आज मेरे को टाइम, क्योंकि अभी वो निकले ही हैं तो मेरे पास आज टाइम है। देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ और क्या कर कोशिश करूँगी कि कुछ कर लूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो अकेली से मेरे से होता तो कम है, क्योंकि मेरे साथ हेल्प करने वाला कोई नहीं है। देखते हैं क्या करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद और मैं बताती हूँ आपको मैं क्या करूँगी स्पेशल उनके लिए, कुछ तो करूँगी। ये देखो नानू की, नानू की और रोक्सी की मस्तियाँ, ये खेल रहे हैं दोनों भाई, आरू और रोक्सी और नानू। पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं ये एक दूसरे के साथ। देखते हैं लग जाएगी नानू तेरे को। रोक्सी भी मूड में आया हुआ पूरा शाम को खेलने में। हमारा रोक्सी वैसे पूरा दिन नहीं खेलता, शाम के टाइम ही मस्ती में आता है। क्या कर रहा था ये? ऐसे खाएगा कर नानू, इसके कितनी हटाई है, खा जाएगा। कैसे खेलता है? नहीं रोक्सी काटते नहीं है, नहीं रोक्सी नहीं प्यार करता है, डरता भी है तेरे से। रोक्सी नहीं, रोक्सी नहीं, ये आरू का गिफ्ट है, नहीं ये आरू का गिफ्ट है ना। आरू आरू भाग गया, आरू डरता है। रोक्सी नहीं काटते नहीं है, नहीं रोक्सी रोक्सी नहीं, डर गया रोक्सी। जैसा कि मैंने आपको बताया था छोटी की शादी की सालगिरह है, जितना भी मेरे से हुआ मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत करने की, बच्चों ने भी मेरी हेल्प करी है। अब मैं दिखाती हूँ मैंने थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई पर थोड़ा मैंने करने की कोशिश करी है, क्योंकि अभी उनका कॉल आया कि हम 5-10 मिनट में पहुँचने वाले हैं। ऑलमोस्ट मेरी तैयारी भी हो चुकी है, उनको एक सरप्राइज़ ही मिलेगा, पता नहीं उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऐसे टैंटरम करते कम है। दिखाती हूँ मैं आपको टीम क्या क्या किया है। छोटू को जलेबी बहुत पसंद है, मैंने कहा वो मैं बाहर से, ये चटनी बनाई है। पापा के दांत में दर्द रहता है तो उनको चावल, पालक पनीर और ये मैंने अदरक रचाई है, और मैंने केक बनाया है, बच्चों के लिए आइसक्रीम मंगा दी, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं करा। और एक मैंने बच्चों को ही कहा था छोटी के पसंद का सूट ले आना, और नहीं पता आपको क्या है, आज के दिन मम्मा की शादी हुई थी, आज के दिन मम्मा की शादी हुई थी, पता चला क्या हुआ था? शादी में तू गया था? गया था तू शादी में? क्यों गया था? नहीं गया, गया था। अच्छा गया था,